आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग टी जी टी पी जी टी इंग्लिश और जूनियर एडिड इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम सी क्यू है आपके लिए तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आज अगर आपको इसका पी डी एफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा तो पहला प्रश्न है आज का आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन द साइड आइड्री एज मच एजी ही ये जो लाइन है ये किसने बोली है ऑप्शन भी हो जाएगा बैन जॉनसन अगला प्रश्न देखते हैं हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन सेवनटीन जीरो नाइन तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा निकोलस रोवे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थ्री है वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स यानी जो लाइन है ये किसने बोली है तो राइट right आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑथेलो ऑप्शन बी ऑथेलो अगला क्वेश्चन है आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी हु इज द स्पीकर तो ये जो लाइन है ये किसने बोली है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका वियोला ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा वियोला अगला प्रश्न देखते हैं इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कैम सच तो यहाँ पे आपको राइट right आंसर इसका बताना है इसका राइट right आंसर आपका हो जाएगा राइट right आंसर है आपका यहाँ पर ओथेलो। ऑप्शन ए ऑप्शन ओथेलो अगला प्रश्न देखते हैं द टेम्पेस्ट कंटेंस ओनली तो जो टेम्पेस्ट है उसमें कितनी लाइन्स हैं ये भी पूछा जाता है तो राइट right आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन एट क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट right आंसर है ऑप्शन ए और इसमें जो क्वेश्चन नंबर फाइव है ये दो बार हो गया है ठीक है तो कोई नहीं एक सवाल है वो आपके लिए एक्स्ट्रा ही है अगला प्रश्न है डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम नीड्स सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम स्वीटेस्ट स्वीटेस्टर फैंसी चाइल्ड हु सेड अबाउट हुक्सपियर तो ये जो बातें हैं ये किसने बोली हैं शेक्सपियर के बारे में राइट right आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जॉन मिल्टन ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है अगला प्रश्न आई एम ए फूल टू वीप एट वाट आई एम ग्लैड ऑफ हु इज द स्पीकर तो जो इंपोर्टेंट लाइन है इसी में जो इस मॉक टेस्ट में वही ज़्यादा कवर की गई है तो यहाँ पे जो आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिरणा ऑप्शन ए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रैलिटी दाई नेम इज वूमेन हु सेज तो राइट आंसर right आपका यहाँ पे हो जाएगा हेमलेट ऑप्शन सी अगला प्रश्न देखते हैं समथिंग इज रोटेन इन द स्टेज ऑफ डेनमार्क तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मर्सिलियस ऑप्शन बी अगला प्रश्न देखते हैं वी नो वाट वी आर बट नो नॉट वाट वी मे बी हु तो ये जो बातें हैं ये किसके द्वारा बोली गई हैं? राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑफेलिया ऑप्शन बी ऑफेलिया तो ये आज का मोक्टा आपके लिए टी जी टी पी जी टी इंग्लिश और जूनियर एडेड इंग्लिश के लिए, लिए विलियम शेक्सपियर पे है इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी वैसे एक बार हम जो टी जी टी के चारों जो ऑथर हैं वो कवर कर चुके हैं जिसके लिए आपको इंग्लिश लिटरेचर नाम से प्ले है उसमें बहुत सारी वीडियो हैं तो आप वो देख सकते हैं और ये जो ऑथर वाइज फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं टी जी टी पी जी टी के लिए इसके लिए अलग से प्ले बना देंगे विलियम शेक्सपियर के लिए अलग से बाकी अन्य ऑथर जैसे आते जाएंगे सबके लिए बना देंगे तो आप उन सबको भी जाकर जरूर देख लें और जो ग्रामर के लिए प्लेलिस्ट है वो भी बना दी गई है वॉकैप वाली तो वो भी आप देख लें और हमारे चैनल पर जो जूनियर एडिट सोशल साइंस वाला जो फिफ्टी क्वेश्चन कंपलसरी है सबके लिए उसके लिए भी मॉक टेस्ट चल रहा है तो आप वो भी देख सकते हैं और उसका व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यू पी टेट के लिए भी आपकी क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी मॉक टेस्ट फ्री में तो जो सी टेट यू पी टेट का हमारा पुराना एक ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही जो जूनियर एडिट का एग्ज़ाम है अठारह अप्रैल के बाद उसके बाद में सी टेट यूपिते, जो यू पी का एग्ज़ाम है उसके लिए मॉक टेस्ट है वो प्रारंभ कर दिए जाएंगे तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं वो भी फ्री में ही आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक पीडीएफ तैयार करने में वीडियो बनाने में थैंक यू